भर्ती छत्तीसगढ़ आसीथिले तीर्थयात्री। श्रीमंदिर सिंहद्वार में नियोजित हेले प्रतिहारी सेवायत अण हिंदू प्रवेश रोकिबाकु सिंहद्वार निकट में आरंभ हेला सेवा। श्रद्धालुं प्रवेश उपरे रखिबे नजर, सकाळु द्वार फिटा ठारु संध्यारे आळती पर्यंत रहिबो कड़ा नजर। राज्य में आहुरी बढ़िबो ताती, आसंता पांच दिन में तापमात्रा पांच रु छह डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा संभावना। उपकूल ओडिशा रे अधिक अनुभूत हेबो गुळुगुळी। आज सकाळ 8:30 सुधा 30 डिग्री उपरे पांच सहरर पारद। आज ओडिया नववर्ष, घरे घरे पोणार आसर। हनुमान जयंती पूरी जगा आखड़े स्वतंत्र आयोजन। सेपटे सरला प्रसिद्ध दंड यात्रा, विभिन्न अंचल में मेरु आयोजन। कंटारे चलिले निपर झुलिले। आज संविधान प्रणेता डॉक्टर बीआर आंबेडकर 133वीं जयंती। संसद परिसर में आंबेडकर फोटो चित्र में पुष्पांजलि अर्पण कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। श्रद्धांजलि जणाइले उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। विभिन्न स्थान में श्रद्धांजलि ज्ञापन। दुई 2024 निर्वाचन पर बीजेपी जारी कला निर्वाचनी इस्ताहार संकल्प पत्र। दिल्ली मुख्यालय रे प्रधानमंत्री मोदी, निर्वाचनी इस्ताहार कमिटी मुख्य राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित में संकल्प पत्र जारी करा। निज संकल्प पत्र में बीजेपी मोदी ग्यारंटी आधार में देशर सबु वर्ग को प्राधान्य अवसर में संबोधन कर मोदी कहते जे आगामी पांच वर्ष पर मागणा राशन जोगाइ दिया। मध्यवित्त परिवार वयस्कों उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान सह 75 वर्षरु अधिक वयस्कों आयुष्मान भारत योजन सामिल करा जिबो। देशवासी को संबोधन बेले मोदी आहुरी कहिछन्ति जे आमर फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ। युव भारत युव आकांक्षा आम संकल्प पत्र में प्रतिफलित तो पाइप जोगे घरे घरे सस्तारे गैस पहुंचाइबू। मुद्रा योजन 20 लाख पर्यंत ऋण वृद्धि होजी बोली मोदी कहते। से गरीबों पर आहरी 3 कोटी आवास निर्माण करा जिबो। खाली से नुहे आउ 3 कोटी भौणी को लक्ष्यपति दीदी करने को लक्ष्य रखाई। आगामी दिन में देशर उत्तर दक्षिण और पूर्व भाग में बुलेट ट्रेन चलो। एने खूब शीघ्र सर्वे कम आरंभ हो। आग को खूब शीघ्र वंदे भारत मेट्रो ट्रेन गड़ीबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक
मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी संकल्प पत्र देशवासियों हित को आखि आगे रखी प्रस्तुत करा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी इस्ताहार कमिटी मुख्य राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। साथियों, हर विषय की 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद हमने विषयों को 24 ग्रुप्स में बांटा है, 24 ग्रुप्स में से बांटा है। इनमें से 10 सोशल ग्रुप्स बनाए गए जिनमें गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान, श्रम शक्ति, मछुआरे, एसएमईज, विश्वकर्मा स्मॉल ट्रेडर, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन एवं सबका साथ सबका विकास, जिसमें समाज के अन्य पिछड़े व कमजोर वर्ग शामिल हैं। इसी तरह जीवन और गवर्नेंस के जुड़े मुद्दे के 14 सेक्टर में बांटा गया है इन्हें। और इनमें पहला है विश्व बंधु, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है। फिर है सुरक्षित भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय है। तीसरा है समृद्ध भारत। चौथा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। पांचवा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। छठा ईज ऑफ लिविंग। सातवा विरासत का विकास। आठवां है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। नवा है स्वस्थ भारत। दसवां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ग्यारहवां है खेल का विकास। बारहवां है सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। तेरहवां है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और चौदहवां है सस्टेनेबल इंडिया, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। अब समय ब्रेक रहा। कमिंग अप नेक्स्ट ब्रॉट यू बाय अरुंधति ज्वेलर्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ, युव भारतर युव आकांक्षा आम संकल्प पत्र रे प्रतिफलित। आसंता 5 वर्ष जाए मागणा राशन जारी रहिबो बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री मोदी।
देशरे जन औषधी केन्द्रर विस्तार हेबो 70 वर्षरु ऊर्ध वरिष्ठ को आयुष्मान योजना रे शामिल करा जिबो सेहिभली ट्रांसजेंडर को मध्य बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह को उपस्थिति रे एही संकल्प पत्र जारी करा जाय छि निज संकल्प पत्र रे बीजेपी मोदी को ग्यारंटी आधार रे देशर सब वर्ग को प्राधान्य दे छि एही अवसर रे संबोधन करी मोदी कहिसेंति जे आगामी 5 वर्ष पई मागणा राशन जुगाई दिया जिबो मध्यवित्त परिवार रो वयस्क को उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान सह 75 वर्ष अधिक वयस्क को आयुष्मान भारत योजना रे शामिल करा जिवो देशवासी को संबोधन बेले मोदी आहुरी कहिसेंती जे आमर फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ युव भारत युव आकांक्षा आम संकल्प पत्र रे प्रतिफलित होईछि पाइप जोगे घरे घरे सस्तारे गैस पहुंचाइबू मुद्रा योजना रे 20 लक्ष पर्यंत ऋण वृद्धि करा जिवो बोली मोदी कहिसेंती सेहिपरि गरीबंक पई आहुरी 3 कोटी आवास निर्माण करा जिवो खाली सेतिक नुहे आउ 3 कोटी भौणी को लक्ष्यपति दीदी करबा लक्ष्य रखा जाइछि आगामी दिन रे देशर उत्तर दक्षिण और पूर्व भाग रे बुलेट ट्रेन चलिबो एने खूब शीघ्र सर्वे काम आरंभ हेबो आग को खूब शीघ्र वंदे भारत मेट्रो ट्रेन गड़िबो बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति नारी शक्ति गरीब किसान इन सभी को सशक्त करता है हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जनता पार्टी बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समाज रो विभिन्न वर्ग को ग्यारंटी देइछंती युवक हुवंतु महिला हुवंतु कृषक हुवंतु श्रमिक हुवंतु सब वर्ग को कोटना कोटी जेतेबेले ग्यारंटी दिया जाउछि यदि कंपेयर करिवे आपन को कोन लागुछि ये केते अलगा रहिछि एवं को इस्तहार लोकन को अधिक आकर्षित करिवो
ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ସେଥିରେ ଚାରିଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନାରୀ ନ୍ୟାୟ, କିଷାନ ନ୍ୟାୟ, ଶ୍ରମିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ହିସ୍ସେଦାରୀ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଭଳି ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଦେଇହେବ, କିଷାନ ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଧିକ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଜିଇଁପାରିବେ ଏବଂ ହିସ୍ସେଦାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରିତା କିଭଳି ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏ ଚାରିଟି ବର୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ସହିତ ସେଥିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଆଗରୁ ଆମର ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହଉଥିଲା, ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବେ କୁହାଯାଉନି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଜିମା ଦରକାର, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଛାତ ପଡ଼ିଗଲେ କବାଟ ଲାଗିଲେ ନୁହେଁ। ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚଳିଲା ଭଳି ତାକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହାଉସ୍ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥିବ ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ସେବାଟେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ କରି ଏଇଟା ପୁରା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ ଲୁକିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ପୁରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଜିଇଁ ପାରିବେ, ମାର୍ଜିତ ଜୀବନ ଜିଇଁ ପାରିବେ, ଗୋଟାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜିଇଁ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଥା କୁହା ହଉଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଉଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ଜେପି ନଡ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ରୋଡ ଗୁଡାକ ପକ୍କା କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ରୋଡ କରାଗଲା, ତାପରେ ରେଲୱେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ବଢ଼ାଗଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 1000 ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ ରେଲୱେରେ ଖାଲି ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା ନାହିଁ, ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କମ୍ଫର୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ପୁଣି ତିନିଟା ପ୍ରକାର, ଆମେ ଯଦି କାର୍ କିଣୁଛେ କାର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ମଡେଲ, ତାପରେ ମିଡିୟମ ମଡେଲ, ତାପରେ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ଯେମିତି ରହୁଛି, ସେମିତି ବନ୍ଦେ ଭାରତର ତିନିଟା ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସ୍ଲିପର, ଏସି ଚେୟାର ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି। ତ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟାକ ପଶ୍ଚିମରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଯୋଉଟାକ ରହିଛି ଆଗକୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗଲା 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେୟା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ମହିଳାମାନେ ଖାସ କରି ପୂର୍ବରୁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ବାଦ 3 କୋଟି ଆହୁରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, 3 କୋଟି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 3 କୋଟି ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ, ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ କେମିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଇଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଭୋଟ୍, ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଯାହାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଭୋଟ୍ କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଇଏ ସହାୟକ ହୋଇଛି, ଇଏ କେତେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ 3 ପାଳି ଧରିକିରି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାଟାକୁ ପୁରା ଜୋରସୋର କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା ଭାରତର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ କଟିଯାଉଛି, ଆଜି ବି ସେ କଥା ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ କେମିତି ସକାଳେ ଉଠିଲେ 6ଟାରେ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜାଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେ ଜାଳ କାଠ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପିରେଟରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜନିତ କିଭଳି ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା, ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଚାର କରିକି ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଦିଆଗଲା। ତା ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନିକଟତର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ପାଇଖାନା ଯୋଜନା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ନିକଟତର ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମନେଥିବ ତାହେଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟେ ମାଲିକାଣୀ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗାଁରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେବ ସେମାନେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବେ।
अर्थात बाहर कहीं आणवाक जीवेनि से प्रथम गोटे इकोनोमिक आक्टिविट सहित जोड़ा गला आर्थिक आक्टिविट सहित जोड़ा गला तापर आप देखिए जो ड्रोन दीदी आप देखिए से ड्रोन चल प्रशिक्षण दिगला जो मैंने कहते जहाँ प्रधानमंत्री जी कहे आज महिला भावुच मुझे पायलट मो ड्रोन चल पारे मुझ भी पायलट भितर जो सेल्फ एस्टीम जो आत्ममर्यादा भितर भरवाई चेस्टा करवश्यकता पूरण कराला आवश्यकता पूरण कला नेक्स्ट लेवल अफ एम्पावरमेंट परवर्त सशक्तिकरण पर्याय हूँ आर्थिक आर्थिक सशक्तिकरण हमें से मैंने किभली विभिन्न प्रकार वैषयिक ज्ञान हासिल करें से वैषयिक ज्ञान से सब प्रदान करापर बर्तमान जो डिसेंट लाइफ कथा से कहते हैं ग्यास सिलिंडर आप घर पहुंचा जाता से कहते ना पाइप जोगे से जोगे दिज्व तो गोटे साहू युवक कथ आसवा खास करी कांग्रेस आपण जानिछंती बा विरोधी बेरोजगारी को एक बड़ मुद्दा करुछंती किंतु ये संकल्प पत्र रे मोदी सरकार निजर उपलब्धि भी रखिछंती जे केउ भली भाबरे केंद्र सरकार को विभिन्न स्कीम खास करी मुद्रा स्कीम रे किभली अनेक युवक उपकृत होइछंती निजर स्टार्टअप पाई मध्ये सेमानकु केमती प्रोत्साहन मिलुछे एवं आगकु मुद्रा योजना रो जो ऋण वृद्धि रहिछि ताहाकु 20 लाख टंका पर्यंत करै दिया जाइछि ये प्रतिश्रुति युववर्गंकु केते आकर्षित करिबो ना ना बेरो रोजगारी कोटना कोटी कोटे मुद्दा है कि रहिबो ये बेसी आकर्षित करिबनी आपनकर समीक्षा कोन देखंतु माने प्रथम जतबेले दुई पाळी आपण देखिबे बेरोजगारी गोटे समस्या बड़ आलोचना होतिला एवं बेरोजगारी समस्या रो भितरे जदि तार गोटे बड़ कारण खोजिकरी सेटा पाइतिला आपनकर अर्थनीतिज्ञ माने सेटा होजे आमर जो युववर्ग जो आपनकर सेमानकर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज रहबा दरकार बा चाकरी उपयोग हेबा पई सेमानकर जो ज्ञान कौशल आवश्यकता दरकार सेटा अभाव होतिला आम समस्त जानचे आपंकर प्रधानमंत्री जो मैंने विकास दीनदयाल उपाध्याय जो रही जो कौशल विकास योजना सेटा को लागू करागला सेटा को लागू कराई आप शहे रु ऊर्ध ट्रेड बा वृत्ति सहित से ट्रेनिंग दि जाए जड़ित करागला एवं ताकु मते परवर्ती अवस्था विरोधी समालोचना कले हाँ कौशल विकास योजना से तालीम दि जाऊँच किंतु क्वांटिटी अफ जॉब जनरेट कर किंतु क्वालिटी हो पारू ना से 5-6 हजार टकर दरमा पाँच कि 7 हजार दरमा पाँच प्रधानमंत्री आज से क्वांटिटी अफ जब केवल गुरुत्व रही क्वालिटी अफ जब्स रर्थात ये जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज पाइले कांग्रेस सीधा प्रतिश्रुति युवा न्याय रे जदि कांग्रेस क्षमता को आसे सीधा 30 लाख युवक को नियुक्ति देखो नियुक्ति आगे प्रथम नियुक्ति देते केतबेले नियुक्ति क्षम करेंगे जितेबाला आपंकर किसी दक्षता अच्छी आप गोटे निर्दिष्ट वृत्ति अच्छा कि आम किसी गोटे दक्षता हासिल करे आम निर्दिष्ट वृत्ति में अच्छे जदि आमर जब से दक्षता आम हासिल करनवा योग्यता हासिल करनवा आम वी कैन नॉट डिलीवर ऑन आवर वर्क प्लेस ना तो आम करना तो से भाई आग प्रथम योग्यता गुरुत्व दिगला तापर से बर्तमान खाली योग्यता गुरुत्व जाऊँगी से आंतु अधिक योग्य हो पार मैंने आपंकर वर्ल्ड में बर्तमान देखिए दि होल वर्ल्ड इज ए मार्केट आपसे कंपिटेटिव मार्केट इट इज जो मैंने जो विकास मानते मानते तार ही क्रेडिट जदि आप निजी बिक्री न करपर अर्थात जब मार्केट आपड़ी निजी को फिट न करेंगे तो आप क्वांटिटी अफ जब फिट कर पारती क्वाटी अफ जब फिट करें क्वाटी अफ मनी पाइपर ना तो प्रधानमंत्री एक्जाक्टली से संकल्प पत्र से कथा कह चाहते जे वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ जॉब्स एवं क्वालिटी ऑफ जॉब्स पाई आपन देखिबे आपनकर जेंती माने विभिन्न प्रकार नुआ नुआ कारीगरी ज्ञान कौशल सहित जोड़ा जाऊँच बड़ कथा जो मुद्रा योजना 10 लाख टकर 20 लाख टाँग को बर्तमान बढ़ागला बर्तमान जो मान जो गोटे सीड मनी आवश्यकता होता पैसार आवश्यकता रोला से बर्तमान आत्म प्रत्यय आसब जो से बिजनेस अधिक बढ़े पारे स्केलअप करेंगे जो गुटाक मान गोटे बड़ राहत आम कहीपर जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप मानने दिगरे पाद थापी बर्तमान व्यवसाय वाणिज्य को अधिक परिव्याप्त करेंगे जिते अधिक परिव्याप्त करेंगे निश्चित भाव अधिक निजुक्ति सृष्टि गुरुत्वपूर्ण दिग जहाँ को बीजेपी बा राजनाथ सिंह अध्यक्षत गठित इस्ताहार कमिटी गुरुत्व दे सबुथर आम देखते सब पॉलिटिकल पार्टी कोटना कोटी गरीब कृषक महिला युवक को जी प्राधान्य दिखती किंतु ये बीजेपी संकल्प पत्र मध्यम वर्ग को गुरुत्व दि जाए संक्षेप या को आपड़ केमती देखुं बिल्कुल आम जमी प्रथम आलोचना कले मध्यम वर्ग गोटे सब गोटे बड़ कनसर्न रही है जो आउट अफ दि पकेट आप एक्सपेडिचर हो जाए टैक्स नेट अधिकांश थे पैसा घर को चलने हो न
माने इंश्योरेंस माने करि पारु नथबे कि इंश्योरेंस सरकार के इंश्योरेंस फिट करि पारु नथबे जो 70 वर्ष रे हम कहले ताके बाप मा माने आज एटलीस्ट जे माने गोटे बड आमे माने खर्च रु बोझ रु रक्षा पाई परबे जो मनुष्य जत 70 75 वर्ष हुए जो बड खर्चटा सब जहां संचित जीवन जकर हॉस्पिटल ले पळि जाय प्रथम सेटा गोटे बड कथा हम कहि परबा एवं मध्यम वर्गक पई आपनकर जो टाकर कहले मध्यम वर्ग तार अधिकांश पैसा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करता है तो ग्रीन एनर्जी को एटा एबे जणा पड़नी आगामी दिन रे जणा पड़िबो जो ट्रांसपोर्ट हो शिक्षा हो तो एसबु क्षेत्र रे भित्तिभूमि को गुरुत्व दिया जाउछ एवं आयुष्मान भारत कथा मध्ये हमें पूर्वरु आलोचना भी करिछंती बहुत बहुत धन्यवाद श्रुत अक्षय साहू हम सहित अधिक आलोचना पई अक्षय साहू वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक समीक्षकों सहित जहां हमें आलोचना करूथिले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल गरीब अन्नदाता एमानक प्रतिश्रुति देना डिग्निटी ऑफ लाइफ एवं क्वालिटी ऑफ लाइफ ताकू सब अधिक फोकस दि जाऊँगी अर्थात केवल खाइले हेनी पोषक युक्त खाद्य भल खाइबा एवं खाइबापर भी पकेट्रे टा संचित हवा या कोमती गुरुत्व दि जापर से नहीं प्रतिश्रुति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाई जदि आम इनफ्रास्ट्रक्चर कथा देखा सोशियाल डिजिटाल फिजिकाल इनफ्रास्ट्रक्चर को आगामी 5 वर्ष गुरुत्व दिजो प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति जहाँ भितर कश्चिम तो कौटना कौटी पश्चिम भारत बुलेट ट्रेन को लेकिन काम आग को बढ़ला किंतु आग को उत्तर दक्षिण एवं पूर्व भाग में किभली बुलेट ट्रेन गढ़ से नहीं आग को खूब शीघ्र सर्वे आरंभ हो ओलंपिक्स आयोजन भारत प्रस्तुत बोली प्रधानमंत्री कहते G20 सफल आयोजन कर भारत एवं ओलंपिक्स आम प्रस्तुत बोली प्रधानमंत्री कहते कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण आगामी 5 वर्ष पर्यंत मागणा राशन जारी रहिबो आहुरी 3 कोटी गरीब को पक्का घर दिजिव पूर्व 4 कोटी पक्का घर गरीब को दि जाए सारी 10 वर्ष भितर एवं आग को आहुरी 3 कोटी पक्का घर प्रतिश्रुति दि जाऊँगी से पाइप जोगे घरे घरे रोसे गैस पहुँचव जहाँकि महिला भोटर को आकर्षित करोटी लक्ष्यपति दीदी सृष्टि लक्ष्य रखा जाभली वन नेशन वन इलेक्शन एवं यूनिफॉर्म सिविल कोड ये देश आवश्यक बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते एवं आगामी 5 वर्ष मोदी पुणी क्षमता को आसिले ये प्रतिश्रुति पूरण हम बीजेपी रो संकल्प पत्र वर्सेस कांग्रेस रो न्याय पत्र जहां मैं आपन को देखौछु फोकस रे गरीब युवक नारी और अन्नदाता रही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस रो मध्य से भली फोकस रे रही एवं 5 न्याय कथा जेते बले कांग्रेस कहुछि ता संग को जाति गणना कथा मध्य कांग्रेस निजर इस्ताहार रे कहिछि आसंता 5 वर्ष जाए मागणा राशन जारी रहिबो बोली ये बीजेपी रो संकल्प पत्र रे प्रतिश्रुति दिया जाइछि एवं कांग्रेस अग्निपथ स्कीम उच्छेद पई प्रतिश्रुति देछि अग्निपथ स्कीम जेतेबेले आसीतिला आरंभरु कांग्रेस एवं विरोधी याकु विरोध करूथिले 70 वर्ष ऊर्ध वरिष्ठ को आयुष्मान योजना रे शामिल करा जिवो ये बीजेपी रो प्रतिश्रुति से भली कांग्रेस रो प्रतिश्रुति होउछि कृषक श्रमिक महिला युववर्ग और बेरोजगार उपरे कांग्रेस फोकस करिवो पाइप जोगे घरे घरे सस्तार ग्यास पहुँचाइबू पूर्वर उज्ज्वला योजन महिला ग्यास मिलू कि पाइप जोगे सीधा सस्तार घरे घरे पहुँचव ये बीजेपी प्रतिश्रुति से किसान न्याय रे एमएसपी को आईनगत मान्यता देवा कांग्रेस प्रतिश्रुति दौर मुद्रा योजन 20 लक्ष पर्यंत ऋण वृद्धि बीजेपी जितेबले घोषणा करुच्ची बा प्रतिश्रुति दौची से नारी न्याय गरीब महिला वार्षिक 1 लक्ष टंका प्रदान करने को कांग्रेस प्रतिश्रुति दौची गरीबों पर आहुरी 3 कोटी आवास निर्माण हम 4 कोटी पक्का घर 10 वर्ष दि सारी मोदी सरकार जदि आग को पुणी मोदी सरकार आसुच्ची तानिकोटी आवास पुणी गरीबों दिजिव से कांग्रेस कथा जी देखा भागीदारी न्याय जातिगत जनगणना पाई मध्य कांग्रेस प्रतिश्रुति देछि संरक्षण सीमा बढ़ाइबा को मध्य प्रतिश्रुति दौछि कांग्रेस अन्यपटे बीजेपी इनफ्रास्ट्रक्चर को गुरुत्व देछि निजर संकल्प पत्र रे एबे समय ब्रेक रो सिंह
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थिति रे एही संकल्प पत्र जारी करा जाय छि। निज संकल्प पत्र रे बीजेपी मोदी को ग्यारंटी आधार रे देशर सब वर्ग को प्राधान्य दे छि। एही अवसर रे संबोधन करी मोदी कहिछंति जे आगामी पांच वर्ष पई मागणा राशन जोगाई दिया जिवो। मध्यवित्त परिवार रो वयस्क को उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान सह 75 वर्षरु अधिक वयस्क को आयुष्मान भारत योजना रे शामिल करा जिवो। देशवासी को संबोधन बेले मोदी आहुरी कहिछंति जे आमर फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ ओ क्वालिटी ऑफ लाइफ। युव भारतर युव आकांक्षा आम संकल्प पत्र रे प्रतिफलित होईछि। पाइप जोगे घरे घरे सस्तारे गैस पहुंचाइबु। मुद्रा योजना रे 20 लक्ष पर्यंत ऋण वृद्धि करा जिवो बोली मोदी कहिछंति। सेहिपरि गरीबों पई आहुरी 3 कोटी आवास निर्माण करा जिवो। खाली सेतिकि नुहे आउ 3 कोटी भौणी को लक्ष्यपति दीदी करबा को लक्ष्य रखा जाइछि। आगामी दिन रे देशर उत्तर दक्षिण ओ पूर्व भाग रे बुलेट ट्रेन चलिबो। एने खूब शीघ्र सर्वे काम आरंभ हेबो। आगो को खूब शीघ्र वंदे भारत मेट्रो ट्रेन गड़ीबो बोली कहिछंति प्रधानमंत्री। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। पाखे आसुचे निर्वाचन, जमिलाड़ी प्रचार सरगरम हेलाणी राजनैतिक पाणीपाग। एबे देखिबा निर्वाचन संपर्कित खबर। 24 महासंग्राम रे आज देखिबा मालकानगिर विधानसभा आसन। नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र अधीनस्थ प्रमुख विधानसभा आसन मालकानगिर, एठारे मोट भोटर 1,95,739। मालकानगिर म्युनिसिपालिटी, मालकानगिर ब्लॉक, कालीमेला ब्लॉक, पड़िया ब्लॉक
एवं कोरकुंडा ब्लॉक रो सातटी पंचायत को नहीं गठित मलकानगिरी विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग लगी एही आसनटी संरक्षित निर्वाचन लगे एठारे तीन प्रमुख दल योद्धा घोषणा कर सारी बेले देखा मिल त्रिमुखी लड़े बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस मध्य बिग फाइट मलकानगिरी विधानसभा लगी बीजेडी मानस माड़कामी को प्रार्थी करथिबा बेले नरसिंह माड़कामी को प्रथम थर लगी मैदान को ओह्लाई बीजेपी एपटे दुई दुई थर निर्वाचन लड़ी उभय बीजेपी और बीजेडी को कड़ा टक्कर देथिबा माला माढ़ी को पुणी भरोसा करिछि कांग्रेस ते मलकानगिरी विधानसभा आसन को केबे क्यों दल दीर्घ वर्ष पर्यंत निज अख्तियारे रखिपारी गोटे दुईट निर्वाचन पर देखा मिली परिवर्तन गणतंत्र परिषद एवं कांग्रेस दल एठारे तीन थर लेखाएं विजयी होता बेले बीजेडी दुई थर एवं बीजेपी यही आसन चारि थर जीति 1992 उपनिर्वाचन में बीजेपी पक्षर अरविंद ढाली विजयी होगापर पुणी 1995 एवं 2000 मसीहा निर्वाचन में बीजेपी को जिताई अरविंद ढाली तेबे 2004 मसीहारे कांग्रेस रो निमाई चंद्र सरकार विजयी होइथिले परे 2009 रे एही आसन आसीथिला बीजेडी कब्जा को 2009 रु 2019 पर्यंत 10 वर्ष धरी बीजेडी कब्जा रे थिला एही आसन 2009 रे बीजेडी रो मुकुंद सोडी एवं 2014 रे मानस माड़कामी मलकानगिरी रु विजयी होइथिले तेबे 2019 रे आसीथिला बड़ परिवर्तन 10 वर्ष धरी क्षमता रे थिबा बीजेडी हातरु एही आसन को छड़ाई आनीथिला भारतीय जनता पार्टी 19 निर्वाचन रे बीजेपी रो आदित्य माढ़ी कांग्रेस रो माला माढ़ी को 25,000 रु अधिक भोट रे परास्त करी विजयी होइथिले कोड़ा टक्कर देइथिले मध्यो बीजेडी रो मुकुंद सोडी रहिथिले तृतीय स्थान रे आदित्य माढ़ी पूर्वरु दुई थर हारिबा परे 2019 रे विजयी होइथिले मध्यो एथरो किंतु तांकु टिकेट देइनी दल मलकानगिरी रे पंचायत निर्वाचन रे खरा प्रदर्शन परे प्रार्थी परिवर्तन करिछि भारतीय जनता पार्टी तो एथर मलकानगिरी रे त्रिमुखी लड़े नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र अधीनस्थ ये होची प्रमुख विधानसभा आसन मलकानगिरी एठारे मोट भोटर 1,95,740 एवं मलकानगिरी रे जदि देखिबा कौनसी थर भी कौन भी पॉलिटिकल पार्टी दुई तीन थर रु अधिक क्षमता एटी रखिपारी नहांती सबुबेले एटी क्षमता परिवर्तन होची अनुसूचित जाति वर्ग लगी एही आसन संरक्षित एवं तीन प्रमुख दल मध्य निजर योद्धा घोषणा कर सारी बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस मध्य एठी बिग फाइट होगाक जाऊँ मलकानगिरी विधानसभा लगी बीजेडी मानस माड़कामी उपरे पुणी भरोसा करथिबा बेले नरसिंह माड़कामी को प्रथम थर लगी मैदान को ओह्लाई बीजेपी अर्थात प्रार्थी परिवर्तन करिछि नुआ चेहरा को सामना को आनी सेपटे दुई दुई थर निर्वाचन लड़ी उभय बीजेपी और बीजेडी को कड़ा टक्कर देथिबा माला माढ़ी को पुणी भरोसा करिछि कांग्रेस संपर्क अधिक आलोचना पाई आम सहित मलकानगिरी लाइव रही आम प्रतिनिधि सहयोगी जितेन्द्र बेउरा जितेन्द्र मलकानगिरी जमती मु पूर्वर कहती एटी सबुबले प्रति 5 वर्ष हो 10 वर्ष हो वोटर मूड परिवर्तन करती गत थर बीजेपी हाथ में थी किंतु एथर चर्चा कौन क्या सपक्ष में हावा बोहू एवं ये त्रिमुखी लड़े जेहेतु तीन दल निजर योद्धा घोषणा कर सारी एथर लड़े कड़ा हवाक जाऊँ कि जोरदार टक्कर हवाक जाऊँ कि कारण जदिओ बीजेपी नुआ प्रार्थी किंतु बीजेडी एवं कांग्रेस पुराणा योद्धा को पुणी सामना को आनी निश्चित भाव में जो देखा तो मलकानगिरी निर्वाचन मंडल एथर त्रिमुखी लड़े हे तीनोटी पार्टी जो दमदार कैंडिडेट देखते वर्तमान लड़ेपी मैदान को ओह्लें आम देखु तीनोटी दल राति दिन लग पड़ लोकों पाखे किभली पहुँचे मुदा नहीं लोकों पाखे पहुँचे से दिन राति एक करदे जदि आम प्रथम आसवा शासक दल प्रार्थी मानस माड़कामी मानस माड़कामी गत थर दल भरोसा कर टिकेट दे ना कि एथर तक दल भरोसा कर टिकेट देखें गत निर्वाचन देखा तेल बीजेडी तीन नंबर पोजिशन अर्थात पखापाखि 25,000 रु ऊर्ध भोट्रे बीजेडी पचर था और तीन नंबर दल रहा कि बर्तमान पंचायत इलेक्शन कथ कह पंचायत इलेक्शन
बीजेपी से भल प्रदर्शन करता खाता खोली पार ना जिला परिषद जोन गुड़िकर कि बर्तमान देखा तो विधानसभा गणित बदल जापे जदि बंगीय भोट बंगीय भोटर मैंने ये निर्णायक भूमिका नौकर कारण पाखापाखि 80,000 भोट बंगीय भोटर रही जो मैंने कि निर्णायक भूमिका नियंती गत बंगीय भोट पूरा एक तरफा बीजेपी पड़ता जहाद्वारा कि बीजेपी 25,000 ऊर्ध भोट्रे विजयी होता कि चलित बर्ष बंगीय भोट के बर्तमान तीन दल प्रार्थी मैंने बंगीय जो भोटर मैंने रही मनवाई चेष्टा कर सहित देखा मालामाड़ी मालामाड़ी दुईटी थर विधानसभा हारी कि कांग्रेस भोट सब स्थिर रही प्रत्येक निर्वाचन भोट स्थिर रही कि विजयी हवा बेला भारतीय जनता पार्टी क्रमागत भाव 14 कहतु 19 कहतु भल प्रदर्शन करुच्ची 17% अधिक भोट पाई प्लस होता भारतीय जनता पार्टी एथर किंतु स्थिति कौन कारण एथर नुआ प्रार्थी को बीजेपी सामना को आनी देखु बीजेपी नुआ प्रार्थी को सामना को आनी कारण गत थर जी आदित्य माड़ी को प्रार्थी करता से विधायक भाव विजय हापर तक शरीर सुस्थ रही से फिल्ड को जापारे लोकों पाखे पहुंच पारे तेणु बीजेपी एथर प्रार्थी बदल नूतन प्रार्थी को आनी कि जहाँकि बीजेपी भोट बंगीय भोट को नहीं बीजेपी पुंजी से ही पुंजी को आधार कर बर्तमान बीजेपी लड़ुची बंगीय भोट तक सपक्ष में किभली आसब से नहीं से प्रयास करुच्ची बंगीय भोट बीजेपी आड़े पड़े तेल निश्चित भाव में बीजेपी प्रार्थी रही नरसिंह माड़काई विजय हे कि सहित बीजेपी जेहेतु गड़ अच्छी बर्तमान निश्चित भाव बीजेपी सपक्ष जा दिग देखा शासक दल जो विजयी होती दुई दुई थर विजयी होती सत कि भोट व्यवधान बेसी नाला भोट कम व्यवधान जीति अर्थात शासक दल विजय होते कम व्यवधान में जीति सब दिग्गज लक्ष्य करवा कहार पल्ला भारी आम संपूर्ण भाव कही पारा ना बीजेपी पल्ला भारी रही गत थर 25,000 ऊर्ध भोट जीति तेणु आशा रखी बीजेपी एथर भोटर सपोर्टर जी भोटर बीजेपी सपक्ष बीजेपी प्रार्थी विजय हे एने देखी सब गाँ गाँ में बीजेपी सांसद प्रार्थी और विधायक प्रार्थी उभय मिसी बुलुंट लोकों पाखे पहुंचुंट आशा बांधि शासक दल एंटी इनकमेंसी अच्छी अर्थात शासक दल मलकान जिलार जो उन्नति हवा कथा जो पर लोक आशा करते से सब दिगरे जो उन्नति हो पारे आउ एक दिग रही गोष्ठी कंदल शासक दल रही गोष्ठी कंदल कि बीजेपी जो प्रार्थी मैंने थे जो आशाई थे मिसिकी बुलूं कि शासक दल जो प्रार्थी मैंने जो आशा करते बर्तमान जहाँकि निर्वाचन मैदान से सक्रिय देखा मिलूनी ये गोटे कारण हो पाए बीजेडी शासक दल गोष्ठी कंदल मुख्य कारण हो पाए सहित मालकानगिर भोटर मूड केमती अच्छी जमी आप कहले 24 वर्ष क्षमता पर भी मालकानगिर अनेक अंचल एवं भी विकास छुई पारिनी एवं माओ समस्या कथा कहतु अनेक प्रकार समस्या मालकानगिर बासिंदा भोगुंती अनेक गाँव को रास्ता ना पानी जल कथा कहतु अनेक प्रकार समस्या रही भितर भोटर मूड कौन भोटर एथर केमिका प्रार्थी चाहूंट देखु बर्तमान भोटर्स तीन जन योद्धा घोषणा तीन दल कर सारी भोटर पाक समस्ते जाते समस्त कन्विन्स कर चेस्टा कर प्रयास करोटर मैंने देखुं योग्य प्रार्थी जे कि कम कर सुख दुख में ढड़ा हे और जो दल कम कर सुविधा असुविधा बुझे प्रार्थी को भोट देते बर्तमान भोटर मुड धीरे धीरे चेंज होते गोटे पर गोटे प्रार्थी पहुंचा समस्त प्रार्थी कथा शुणे और से स्थिर करेंगे क्या भोट देते क्या भोट दे गणतंत्र प्रतिष्ठा हो पारे सुगणतंत्र प्रतिष्ठा हो पारे ये अंचल उन्नति हो पार राज्य उन्नति हो पार से दिगरे बर्तमान प्रार्थी मैंने जो मैदान को जाऊँच लोक बुझाप प्रयास करोटर बर्तमान मुड बन बस उपयुक्त प्रार्थी की देवे जे कि सुस्थ गणतंत्र हम सुगणतंत्र हम एवं जो मालकानगिर पछुआ अंचल रही पछुआ अंचल किभली उन्नति हे से दिगर से बाछुं जो भोट खटी गुड़िक चर्चा लगी रही क्या भोट दवा क्या भोट दे आगामी 5 वर्ष सुविधा
एवं 2014 कथा कहतु 2019 कथा कहतु ये निर्वाचन रे भी कौटना कौटी जदियों 14 रे शासक दल सपक्ष में जाता किंतु कौटना कौटी वोट परसेंट माइनस होता अल्प व्यवधान भी रही बीजेपी प्रार्थी थारु तो कौटना कौटी एथर भी आंटी इनकम्बेन्सी अच्छी निश्चित भाव में जितेबाला शासक दल क्रमगत भाव शासन कर आसूची से समय लोक बहुत किसी आशा रखी थे पूर्व शासक दल मान प्रार्थी मैंने कहतु अन्य नेता मैंने कहतु बारंबार अनेक प्रतिश्रुति देते किंतु से प्रतिश्रुति से पूरण हो पारनी जहाँकि शासक दल चिंतार कारण हम कारण से पंचायत निर्वाचन कथा कहतु पूर्व जिते निर्वाचन हो समय दुई दुई थर विधायक लोक करके पठाई थे शासक दल किंतु जो प्रतिश्रुति से आम जहाँ करूँ से सबू कि पूरण होनी से आम देखुल गाँ गाँ लोक असंतोष रही दल शासक एत वर्ष कलापर प्रतिश्रुति कहीं पूरण हो पारे कहीं लोक उन्नति हो पारे कहीं लोक मौलिक सुविधा पहुँच पारे ये सब निश्चित भाव में शासक दल घाटा कर किंतु जितेबाला एंटी इनकमेंसि कथ आसूँ निश्चित भाव में ये जो रही प्रतिश्रुति पहुँच पारनी उन्नति हो पारे पछुआ जिला भाव एवं रही जदिव नेता आसुचार किंतु नेता गाँ पर्यटन जापार ना सहर बुली फेरी जा सब गाँव में नेता पहुँची पारि ना पांच वर्ष दस वर्ष विधायक जदि शासक दल थे किंतु सब गाँव में विधायक पहुँची पारि ना जहाँकि आंटी इनकमेंसि निश्चित भाव में शासक दल चिंतार कारण पक निश्चित भाव में शासक दल यही आंटी इनकमेंसि मुख्य कारण हो पारे लोकों मन जितबार कष्ट हो पारे जितना देखा तो मालकान जिले में कह रखे दादन समस्या सब बड़ समस्या होती है मालकान जिले रेलवे पहुंची पार्लानी आम देखु रेलवे आसो कि भी रेलवे रे गोटे मटी खंडे भी उठी पार्ला ना सहित जब एयरपोर्ट तुरंत भाव एयरपोर्ट निर्माण कर निर्वाचन पूर्व उद्घाटन करागला किंतु एयर स्ट्रिप भाव परिणत होती खाली बड़ बड़िया लोक सी ओल्लाउं किंतु साधारण लोक जात्रा कर पारती साधारण लोक आशा बांधि थे जहाँ मालकान जिले में एयरपोर्ट विमान सेवा पाइबे किंतु अनेक प्रतिश्रुति समस्या ये सब किसी मुद्दा हवा को जाऊँ जो कौटना कौटी ये गोटे चर्चा होंटी इनकम्बेन्सी रही आग को आम लगातार भाव जितेन्द्र ए संपर्क में आलोचना करवा कि 24 महासंग्राम एवं समय एक छोट ब्रेक र सिंह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित में संकल्प पत्र जारी करा निज संकल्प पत्र रे बीजेपी मोदी ग्यारंटी आधार में देशर सब वर्ग को प्राधान्य अवसर में संबोधन कर मोदी कहते जे आगामी पांच वर्ष मागणा राशन जोगाई दिजिव मध्यवित्त पर वयस्कों उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान सह नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र अधीनस्थ प्रमुख विधानसभा आसन मालकानगिरी एठारे मोट भोटर 1,95,749 मालकानगिरी म्युनिसिपालिटी मालकानगिरी ब्लॉक कालीमेला ब्लॉक पड़िया ब्लॉक एवं कोरकुंडा ब्लॉक रो सातटी पंचायत को नहीं गठित मालकानगिरी विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग लगी यह आसनटी संरक्षित निर्वाचन लगी एठारे तीन प्रमुख दल योद्धा घोषणा कर सारी बेले देखा मिलिबो त्रिमुखी लड़े बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस मध्य हेबो बिग फाइट मलकानगिरी विधानसभा लगी बीजेडी मानस माड़कामी को प्रार्थी करथिबा बेले नरसिंह माड़कामी को प्रथम थर लगी मैदान को ओल्लाइछि बीजेपी एपटे दुई दुई थर निर्वाचन लड़ी उभय बीजेपी और बीजेडी को कड़ा टक्कर देथिबा माला माढ़ी को पुणी भरोसा करिछि कांग्रेस ते मालकानगिरी विधानसभा आसन को केबे केउ दल दीर्घ वर्ष पर्यंत निज अख्तियार रे रखि पारि नाहंती गोटिए दुईटी निर्वाचन परे देखिबा को मिलिछि परिवर्तन गणतंत्र परिषद एवं कांग्रेस दल एठारे तीन थर लेखाएं विजयी होता बेले बीजेडी दुई थर एवं बीजेपी एहि आसन रु चारि थर जीति 1992 उपनिर्वाचन रे बीजेपी पक्षर अरविंद ढाली विजयी होगा परे पुणी 1995 एवं 2000 मसीहा निर्वाचन रे बीजेपी को जिताई अरविंद ढाली तेबे 2004 मसीह कांग्रेस रो निमाई चंद्र सरकार विजयी होते परे 2009 रे यही आसन बीजेडी कब्जा को 2009 रु 2019 पर्यंत 10 वर्ष धरी बीजेडी कब्जा रे थिला यही आसन
2009 ବିଜେଡିର ମୁକୁନ୍ଦ ସୋଢି ଏବଂ 2014 ମାନସ ମାଡକାମି ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2019 ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 10 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ହାତରୁ ଏହି ଆସନକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। 19 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ି କଂଗ୍ରେସର ମାଲା ମାଢ଼ିଙ୍କୁ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ମୁକୁନ୍ଦ ସୋଢି ରହିଥିଲେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ହାରିବା ପରେ 2019 ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନି ଦଳ। ମାଲକାନଗିରିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତ ଏଥର ମାଲକାନଗିରିରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମାଲକାନଗିରି। ଏଠାରେ ମୋଟ ଭୋଟର 1,95,739 ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି ଥର ବି କୌଣସି ବି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି 2-3 ଥରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଏଠି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏଠି କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗ ଲାଗି ଏହି ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭା ଲାଗି ବିଜେଡି ମାନସ ମାଡକାମିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଭରସା କରିଥିବା ବେଳେ ନରସିଂହ ମାଡକାମିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ସେପଟେ 2-2 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିବା ମାଲା ମାଢ଼ିଙ୍କୁ ପୁଣି ଭରସା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଲାଇଭ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସହଯୋଗୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେଉରା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଙ୍ଗୋଲୀ, ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗୋଲୀ କମ୍ୟୁନିଟିର ବେଙ୍ଗୋଲୀ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଠି ପ୍ରାୟ 75,000ରୁ 80,000 ବେଙ୍ଗୋଲୀ କମ୍ୟୁନିଟିର ଏଠି ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବେଙ୍ଗୋଲୀ କମ୍ୟୁନିଟି। ପ୍ରାୟ 2,44,890 ଆମର ଏଠି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଭୋଟର କିଛି ବି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଜର ଭୂମିକା ନେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗୋଲୀ କମ୍ୟୁନିଟିର। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଏଇ ଯୋଉ ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହବ ଏବଂ ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତ ଦାସ? ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆମେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ମାଲା ମାଢ଼ି କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ସେଇ ମାଲା ମାଢ଼ିଙ୍କୁ ହିଁ ମଇଦାନକୁ ଆଣିଛି? କଂଗ୍ରେସର ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ଭୋଟ ନେଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଫାଇଟ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ହବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଅଧିକା ଭୋଟ ନବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମାନେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହବ। ବିଜେପି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପଛରେ ରହିବ? ବିଜେପି ତ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ହିଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମାଡକାମି ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଇସ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ମାନେ ଜିତିବାର ଆଶା ଅଧିକା ରହିବ। ଶ୍ରୁତ ଦାସ, ଆ ଭିତରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରିରେ ତ ସମସ୍ୟା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଛୁଇଁନି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ତ ଏସବୁ ମୁଦ୍ଦା ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକାଶ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି ଏବଂ ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ କି ମୁଦ୍ଦାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଓଟିଭିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଏଠି ଏଟା ଦିନ ଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ଏକ ନକ୍ସଲର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ନକ୍ସଲର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଲା ପରେ
प्राय कमी जा कहले चले कि जो आदिवासी अधिष्ठित अंचल मलकानगिर थिला दिने नक्सल गड़ से जो वर्तमान जो डेवलपमेंट किंतु प्राय आदिवासी आप जो कोया कम्युनिटी जो माने कि नक्सल माने मुख्य समर्थक थिले से माने वर्तमान भी डिफेंड कर आंध्र तमिलनाडु एवं विभिन्न जगह को से दादन हिसाब से खटिया को जातु से दादन समस्या है मलकानगिरी एक माने मुख्य समस्या जदि रेलवे हा आप जो कहले रेलवे कथा निश्चित भाव में जो कंचामाल आम मलकानगिरी भरपूर होगी वर्तमान डालमिया जो सीमेंट सी तार कारखाना करने तार फास्ट पार्ट वन रो जो पब्लिक हियरिंग सारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जेहेतु एटा फेडरल गणतंत्र जो दुई जन सरकार भूमिका रही निश्चित भाव में दुई जन सरकार तो कर्तव्य रही जो दादन समस्या को समाधान करने हेले शिल्प प्रसंग एथर भी मलकानगिरी रे बड़ मुद्दा हाबा को जाउची बहुत बहुत धन्यवाद श्रुत दास आम सहित अधिक आलोचना वरिष्ठ सांबादिक देवदास सहित अधिक आलोचना करूथिले जहाँ से कहते एथर भी मलकानगिरी त्रिमुखी लड़े हम ए रोचक लड़े हाबाक जाउची समय सरी 24 महासंग्राम को यही रखुचु नमस्कार। नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र अधीनस्थ प्रमुख विधानसभा आसन मलकानगिरी एठारे मोट भोटर 1,95,749 मलकानगिरी म्युनिसिपालिटी मलकानगिरी ब्लॉक कालीमेला ब्लॉक पड़िया ब्लॉक एवं कोरकुंडा ब्लॉक रो 7टी पंचायत को नहीं गठित मलकानगिरी विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग लगी यह आसनटी संरक्षित निर्वाचन लागि एठारे 3 प्रमुख दल योद्धा घोषणा कर सारिथिबा बेले देखिबा को मिलिबो त्रिमुखी लड़ई बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस मध्यरे हेबो बिग फाइट मलकानगिरी विधानसभा लागि बीजेडी मानस माड़कामी को प्रार्थी करिथिबा बेले नरसिंह माड़कामी को प्रथम थर लागि मैदान को ओल्हाइछि बीजेपी एपटे दुई दुई थर निर्वाचन लड़ी उभय बीजेपी और बीजेडी को कड़ा टक्कर देइथिबा माला माढ़ी को पुणि भरोसा करिछि कांग्रेस ते मलकानगिरी विधानसभा आसन को केबे केउ दल दीर्घ वर्ष पर्यंत निज अख्तियार रे रखि पारि नाहंती गोटिए दुईटी निर्वाचन परे देखिबा को मिलिछि परिवर्तन गणतंत्र परिषद एवं कांग्रेस दल एठारे 3 थर लेखाएं विजयी होता बेले बीजेडी 2 थर एवं बीजेपी यही आसन 4 थर जीति 1992 उपनिर्वाचन में बीजेपी पक्षर अरविंद ढाली विजयी होगापर पुणी 1995 एवं 2000 मसीहा निर्वाचन में बीजेपी को जिताई अरविंद ढाली तेबे 2004 मसीह रे कांग्रेस रो निमाई चंद्र सरकार विजयी होइथिले परे 2009 रे एही आसन आसीथिला बीजेडी कब्जा को 2009 रु 2019 पर्यंत 10 वर्ष धरी बीजेडी कब्जा रे थिला एही आसन 2009 रे बीजेडी रो मुकुंद सोडी एवं 2014 रे मानस माड़कामी मलकानगिरी रु विजयी होइथिले तेबे 2019 रे आसीथिला बड़ परिवर्तन 10 वर्ष धरी क्षमता रे थिबा बीजेडी हातरु एही आसन को छड़ाई आनीथिला भारतीय जनता पार्टी 19 निर्वाचन रे बीजेपी रो आदित्य माढ़ी कांग्रेस रो माला माढ़ी को 25,000 रु अधिक भोट रे परास्त करी विजयी होइथिले कोड़ा टक्कर देइथिले मध्ये बीजेडी रो मुकुंद सोडी रहिथिले तृतीय स्थान रे आदित्य माढ़ी पूर्वरु 2 थर हारिबा परे 2019 रे विजयी होइथिले मध्ये एथरो किंतु तांकु टिकेट देइनी दल मलकानगिरी रे पंचायत निर्वाचन रे खरा प्रदर्शन परे प्रार्थी परिवर्तन करिछि भारतीय जनता पार्टी तो एथर मलकानगिरी रे त्रिमुखी लड़ई नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र अधीनस्थ ये होची प्रमुख विधानसभा आसन मलकानगिरी एठारे मोट भोटर 1,95,749 एवं मलकानगिरी रे जदि देखिबा
କୌଣସି ଥର ବି କୌଣସି ବି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଦୁଇ ତିନି ଥରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଏଠି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏଠି କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗ ଲାଗି ଏହି ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭା ଲାଗି ବିଜେଡି ମାନସ ମାଡକାମିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଭରସା କରିଥିବା ବେଳେ ନରସିଂହ ମାଡକାମିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ସେପଟେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିବା ମାଲା ମାଢ଼ିଙ୍କୁ ପୁଣି ଭରସା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଲାଇଭ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସହଯୋଗୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେଉରା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମାଲକାନଗିରି ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଏଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଉ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଉ ଭୋଟର ମୁଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଗତଥର ବିଜେପି ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ, କାହା ସପକ୍ଷରେ ହାୱା ବୋହୁଛି ଏବଂ ଇଏ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ, ଯେହେତୁ ତିନି ଦଳ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏଥର ଲଢ଼େଇ କଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି, ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? କାରଣ ଯଦିଓ ବିଜେପିର ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପୁରୁଣା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ତିନୋଟି ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଦମଦାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିନୋଟି ଦଳ ରାତି ଦିନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ମାଡକାମି, ମାନସ ମାଡକାମି ଗତଥର ଦଳ ଭରସା କରିନଥିଲା, ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭରସା କରିଛି, ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେଡି ତିନି ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 25,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ବିଜେଡି ପଛରେ ଥିଲା ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର ଦଳରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବିଜେପି ସେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା, ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିଲା।